बातों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियां बियां। दोस्तों, हरियाणवी फिल्मों के स्टार उत्तर कुमार और फिल्म इंडस्ट्री के चहीते अभिनेता सनी देओल की जल्द ही रिलीज होने जा रही फिल्म गदर 2 के बीच एक बहुत गहरा सा संबंध है। ये छोटी सी जिंदगी थे, रातें लंबियां लंबियां। जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी हलचल है और दर्शकों में काफ़ी उत्सुकता है सनी देओल की आने वाली फिल्म गदर 2 को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के बीच पैदा हुई सिख तारा सिंह और मुस्लिम लड़की सकीना के प्रेम की दास्तान है। ये फिल्म जितनी सनी देओल के जबरदस्त एक्शन के लिए जानी जाती है, उससे कहीं ज़्यादा इस फिल्म की हीरोइन सकीना और उनके बच्चे रणजीत के इमोशनल सीन्स के लिए याद रखी जाती है। इस फिल्म ने पर्दे पर आते ही तहलका मचा दिया था और उसके ठीक 22 साल बाद इस फिल्म को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया गया है। और जैसे ही इस फिल्म में दर्शकों ने गदर 2 का टीजर देखा, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे धाकड़ छोरा यानी उत्तर कुमार की और उनका इस फिल्म यानी गदर एक प्रेम कथा से एक अजीबोगरीब संबंध है। तो हम आपको बता देते हैं कि उत्तर कुमार की पहली फिल्म का नाम था धाकड़ छोरा, जो 2004 में बनी थी, और गदर एक प्रेम कथा उससे 3 साल पहले यानी सन 2001 में रिलीज हुई थी। और जिस तरह से गदर एक प्रेम कथा एक मुस्लिम लड़की सकीना और एक सिख लड़के तारा सिंह के प्रेम की कहानी है, ठीक उसी तरह धाकड़ छोरा भी एक मुस्लिम लड़की शब्बो और एक हिंदू लड़के मनोज और मन्नू की कहानी है। यानी अगर हम ये कहें कि उत्तर कुमार ने कहीं ना कहीं अपनी फिल्म को गदर एक प्रेम कथा से प्रेरित होकर बनाया था तो कुछ गलत ना होगा। और दूसरी बात यह है कि सनी देओल के पिताजी यानी बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र के बहुत बड़े फैन हैं उत्तर कुमार जी। उनकी ही फिल्मों को देख देख कर और उनसे प्रेरित होकर ही उत्तर कुमार फिल्मों में आए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो एक इत्तेफाक भी है, कि गदर एक प्रेम कथा के ठीक 22 साल बाद, जबकि इसके डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इस फिल्म का सीक्वल गदर 2 के नाम से बनाया है, वहीं उत्तर कुमार ने अपनी पहली और सुपरहिट फिल्म जो कि 2001 में रिलीज हुई थी धाकड़ छोरा, उसके ठीक 19 साल बाद यानी 2023 में इसका रीमेक बनाया है जिसका टाइटल है तगड़ा। और चौथी और सबसे खास बात, गदर एक प्रेम कथा के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अपने बेटे उत्कर्ष शर्मा को गदर 2 में यंग अवतार में लॉन्च किया है सनी देओल और अमीषा पटेल के साथ। वहीं धाकड़ छोरा यानी उत्तर कुमार ने भी अपनी फिल्म धाकड़ छोरा के रीमेक यानी तगड़ा फिल्म में अपने बेटे प्रभात कुमार को लॉन्च किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी जानकारी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही नए नए टॉपिक्स की नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।